हेलो, आज हम लोग ये वाला फोटो बना रहे हैं, तो इसके लिए चलते हैं देखने के लिए कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंक पेपर ओपन करेंगे कैनवा में, और यहाँ पर हम लोग कलर के सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर क्रेटियन चूज करेंगे। क्रेटियन क्या, जहाँ पे एक से ज़्यादा कलर यूज होता है। तो पहला कलर का नंबर है 777C। उसके बाद हम लोग सेकेंड कलर यूज करेंगे, और सेकेंड कलर का नंबर रहेगा FEC36। और एक और कलर यूज करेंगे, उसको प्लस करेंगे, उसका नंबर रहेगा FEC P32। तो ये रहा, और इसका अलग अलग स्टाइल ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पांच स्टाइल आ रहा है, तो पांचों स्टाइल ट्राई करने के बाद मैंने ये वाला फाइनल किया स्टाइल। उसके बाद हम लोग प्लस आइकन पे गए, एलिमेंट पे गए, और यहाँ पर हमने सर्च किया। क्या सर्च किया? सर्च किया स्काई। स्काई सर्च करने के बाद फ़ोटो के सेक्शन में आपको बहुत सारे फ़ोटोज आ जाएंगे, उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ये वाला फ़ोटो यूज कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक किए, सबसे ऊपर में लेके जाके बड़ा करके और इस तरह सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग वापस एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पेपर। ग्राफिक में जो थर्ड नंबर वाला पेपर आ रहा है, मैंने वो वाला सेलेक्ट किया और उसे स्काई और बैकग्राउंड के बीच में इस तरीके से लगा देंगे, और डुप्लीकेट करके पूरे स्क्रीन पे इस तरीके से, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे लगा देंगे। इसका कलर चेंज करेंगे, ऐसा कलर रखेंगे जो बैकग्राउंड के साथ एकदम मिक्स हो जाए और पता न चले कि बाहर का पेपर है। तो मैंने कलर पीकर से कलर उठाया है, ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे कर सकते हैं। दोनों पेज का मैंने कलर पीकर से कलर उठा के लगा दिया, उसके बाद ये ऐसा लग रहा है जो अच्छा लग रहा है। अगर आप पेपर यूज नहीं करेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग वापस से एलिमेंट पे गए और यहाँ पर हमने सर्च किया एलोफ्लेन। एलोफ्लेन के फोटो के सेक्शन में मैंने ये वाला फोटो उठाया एलोफ्लेन का। इसके बाद हम लोग इफेक्ट पे गए और यहाँ पर हमने इसका बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जगह बच जाता है बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, उसको हटाया और इसे स्काई पे सेट किया। इसके बाद हम लोग वापस से एलिमेंट पे गए हैं और यहाँ पर हमने एक सर्च किया है ट्रैवल गर्ल, और फोटो सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे फोटोज देखेंगे जो इस बैकग्राउंड के साथ सेट हो जाए, जो एक अच्छा लुक दे, उसे सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद, बहुत सारे फोटोज देखने के बाद, थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल करने के बाद, मुझे ये वाली गर्ल पसंद आई, ये वाली लड़की पसंद आई, तो इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग इफेक्ट पे जाएंगे और बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जगह बच जाता है उसे क्रॉप करके हटा देंगे। उसके बाद इसे एक साइड में लेफ्ट या राइट जैसा आप चाहते हैं, मैं इस साइड में इसे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको एक सेटो इफेक्ट दूँगी, तो सेटो पे जाके क्लो पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं एक वाइट कलर का सेटो दूँगी। तो कलर मैंने लिखा वाइट, साइज मैं लिखूँगी ऑलमोस्ट 10 to 15। इसके पास जो चीज़ मांग, एंगल, डिस्टेंस, ये तब आप खुद देख लीजिएगा। मैंने डिस्टेंस लिखा है 0, एंगल लिखा है 52 एंड डन। इस फोटो में क्लोज सेटो डालकर
ये फोटो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो अब हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करके एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे सर्च बार में क्लास। अभी जो है ये लड़की एक ऐसे ही खड़ी है जो वो उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा है, इसलिए इसे हम एक क्लास में खड़ा करेंगे। तो पहले हम लोग ग्राफिक से क्लास उठाए और इसे नीचे में लगाए और इसके साथ मैंने एक फ़ोटो से क्लास उठाया है और इसको भी लगाया। तो देखने में कौन अच्छा लग रहा है? ऑफकोर्स फ़ोटो वाला। तो मैंने फ़ोटो वाले को रखा और एक ग्राफिक वाले को हटा दिया और इसको नीचे में इस तरीके से एडजस्ट किया है। अभी क्या है आके मैं इसको चेंज कर दूँगी। ओके, तो हम लोग एलिमेंट भी गए वापस से और यहाँ पर हमने सर्च किया है लीव के बाद फ़ोटो के सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक अच्छा सा पत्ते का फ़ोटो लेंगे जिनमें मैंने पहले तो ये वाला सेलेक्ट किया है। इसको फ्लिप करेंगे और इसको साइड में लगाएंगे इस तरीके से। अब हम वापस से एलिमेंट पे गए और यहाँ पर हमने सर्च किया ट्रैवल। ट्रैवल सर्च करने के बाद बहुत सारे फ़ोटोज आएंगे। ग्राफिक पे क्लिक किया तो चल ये जानने के लिए कि ट्रैवल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हम यूज कर सकते हैं इस फ़ोटो में। ये वाला फ़ोटो जिसमें आपको एक टूर सूटकेस और क्लोव एरोप्लेन मैप सब कुछ मिल रहा है, ये वाला सेलेक्ट किया। और यहाँ पर एक फ़ोटो मिल रहा है जो जिसमें सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लोव मैप ट्रैवल में जो जो चीज़ यूज़ होता है वो सारी चीज़। तो मैं वो वाला फ़ोटो यूज नहीं करूँगी क्योंकि वो वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अपने से बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट हुआ नीचे जा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा नीचे जाने के बाद ये पैक मिला है जिसको मैंने क्लिक करके यहाँ पे लेते आई। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाऊँगी। थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद ये वाला हैट मिला तो इसे सेलेक्ट कर लिया और ये वाला सेलेक्ट कर लिया। और इस सारे एलिमेंट को हम लोग ट्रैवल के वक्त यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे रखा है, पर अभी एडजस्ट नहीं किया, एडजस्ट करूँगी। तो पहले हम लोग क्लास का जो था पूरे पोस्ट में था, नीचे में पूरा बैकग्राउंड उठ जैसे था तो उसे आधा कर दिया। और ये वाला फ़ोटो और ये सारे जो मैंने एलिमेंट चूज़ किए हैं उस सब को अलाइन करूँगी यहाँ पर इस तरीके से। हमने यहाँ पे एलोफिलिन यूज कर लिया, स्काई यूज कर लिया, क्लास यूज कर लिया, सूटकेस, क्रोफ पैक, जो भी चीज़ एक ट्रैवल पोस्ट में होना चाहिए वो सारी चीज़ मैंने यूज कर लिया। अब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट लिखने के लिए पहले जाएंगे हम लोग टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट पे ना सबसे ऊपर में आपको सर्च बार मिलता है, वहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ सिंपल कर्सिव। बहुत ज़्यादा कर्सिव भी नहीं चाहिए पर थोड़ा सिंपल में कर्सिव लाइटिंग चाहिए था। तो मैंने सिंपल कर्सिव सर्च किया तो बहुत सारे मिल गए। तो मैंने फर्स्ट वन ही चूज कर लिया। यहाँ पे उस फॉन्ट को यूज करते हुए लिखा है इट टाइम टू ट्रैवल। के बाद हम लोग वापस से टेक्स्ट पे गए और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको फॉन्ट कम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉन्ट कम्बिनेशन उठाऊंगी, उस कम्बिनेशन को अनग्रुप करूंगी। बहुत सारे ग्रुप, एक ग्रुप में बहुत सारे फ़ोटोज होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। और मैंने इसमें लिखा डिसाइड योर ट्रैवल। के बाद हम लोग वो जो था इट टाइम टू ट्रैवल उसी को कॉपी करेंगे और नीचे में लिखूंगी मैं कुछ और जैसे मैं लिख रही हूँ गेट बेस्ट एक्सपीरियंस विथ योर लव्ड वन। इसका हम स्पेस का देख लेंगे, जो लाइन स्पेस है वो बहुत ज्यादा है तो इसको कम करेंगे। तो मैंने इसको एक साइड में अलाइन किया
सारे टेक्स्ट को। ये पोस्ट तैयार हो गया, बट अब हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि साला तीनों टेक्स्ट ब्लैक कलर का है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने पहला वाला का कलर ये थोड़ा डार्क ब्लू रखा है, कलर पिकल से मैं उठाई थी, सूटकेज का कलर है। ओके, ये जो दोनों छोटा छोटा टेक्स्ट है इसको मैंने स्काई कलर पे रखा है, कलर पिकल से उठाया ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप और कोई अलग कलर यूज करेंगे, क्योंकि पोस्ट में बहुत सारा कलर पहले से यूज है, और कलर ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने स्काई से कलर उठाया। ओके, अब हम लोग वहाँ पर से गए एलिमेंट पे, यहाँ पर हमने सर्च किया सर्च बार में एलोफ्लेन। इस बार हम लोग ग्राफिक से एलोफ्लेन उठाएंगे, और ग्राफिक से एलोफ्लेन उठाने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्राफिक देखा, फ्लिप करूँगी हॉरिजॉन्टल एंड इस तरीके से लगा दूँगी टेक्स्ट के बगल में। पोस्टर बन के तैयार हो गया, तो कैसा लग रहा है? हमने जब पोस्टर बनाई है ना, तो आप सोचिए कि ये पोस्टर आपको पसंद आया, मतलब क्योंकि आप बनाए हैं इसलिए नहीं, बट आपको पसंद आया, अगर आपको मन से लगे कि हाँ आया, तो आप बहुत अच्छा डिजाइन बनाया। अगर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आप बनाया है, तब तो आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इस तरीके से सोचिए, उसके बाद ही अपने क्लाइंट को या फिर किसी को भी फोटो दीजिएगा। ये पोस्टर बन के तैयार हो गया, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और अनलाइक दोनों कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया हो, बट अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर कोई कैनवास ले लेते नॉलेज चाहता है, या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है, या फिर आपको लगता है कि उसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उसके साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे अगर अच्छा लगा होगा तो। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।